नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राफ्ट साहब मेरे टेंगर टूल का प्रयोग कैसे करते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। ओपन करेंगे यहाँ से, मेरा मैसेज ओपन हो गया है। आज मैं आपको ये टेंगर टूल के सभी टूल्स के बारे में आपको बताऊँगा। मैं बिजने दिया आपका रेक्टेंगल, राउंड, आप लिस्ट किया है, पॉलीगॉन दिया, लाइन टूल दिया, कस्टम टूल दिया है। ओके, ध्यान से लोग देखिएगा, बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को जरूर देखिएगा। हम फाइल पर जाकर नोट करेंगे, यहाँ से भेज लेंगे आप उस साइज़ का, ओके करेंगे। अभी हमारा पेज आ गया, पेज आने में मैक्सिमाइज करेंगे। अब यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आपको सिखाएंगे हम रेक्टेंगल टूल का यूज कैसे करना है। पहले बार आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इससे एक आपको फिक्स पिक्सल जो होता है ये रहेगा, तभी कलर आपको फायदा नहीं होता है। हम ऐसे बना रहे हैं, एज ए प्रिंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर आपका, जो कलर आपको चेंज करना है दूसरा कलर कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ से देखिएगा, हमें ये चीज़ बनाना तो ये दूसरा कलर में आपका आएगा, आया। इनको हम चेंज कर ले रहे हैं कि आपको साउंड में दिक्कत ना, इसीलिए मैं कलर चेंज करता हूँ। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ गया, ऐसे इसका भी कलर चेंज कर दीजिए आप, इसका कर दीजिए तो ये कर दीजिए क्या मैंने। आप यहाँ पे जाकर इसको बना सकते हैं, इसमें आप आकार दे रहा है। अगर यहाँ पार्ट फाइव, अगर यहाँ पे सिक्स मैंने यहाँ पे कर दिया, एट कर दिया तो बनाएंगे ना, तो आपका एट बना, आठ बना कर बना कि नहीं बना इस तरह से। और आपको हमको देखना ना, डार्क कर दीजिए ब्लैक किया। अब इसको ज़्यादा यहाँ पर दस कर दो, पंद्रह बीस कर दो, बीस कर दिया मैंने। यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा क्लिक करोगे तब उठा देते हुए बीच में गोला है, गोला बना कि नहीं बना, हल्का सा है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया पाँच, तो सॉरी नॉर्मल पे जाके देख लो, कुछ चक्कर ले लीजिए इसका दोस्तों। तो आपने सीखा सभी टूल के बारे में क्या काम आपका होता है। फिर मेरे हिसाब से लाइन टूल आता है, लाइन टूल का काम आपका होता है जानते ही हैं आप लोग, लाइन खींचने के ड्रा करने के लिए सीधी लाइन आर एक वगैरह खींचना चाहते हैं आप खींच सकते हैं, ठीक है। इसी का काम आपका इसमें होता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। यहाँ पर दस कर उसके हिसाब से पिक्सल के हिसाब से आपका होगा, मोटा होगा, देखिए जितना हिसाब से आप खींचोगे ना उसके हिसाब से बनाएगा, ठीक है ना। मोटा कर बनाएगा, वो कम कर देंगे तो कम आप करेगा, यहाँ पर फाइव कर दीजिए, फाइव आप पाओगे उसी हिसाब से कर दीजिए। हो बने, आपने सीखा। फिर आपका आता है कस्टम टूल, क्या आता है कस्टम शेप टूल। इसका काम आपका होता है, ये जो जितने आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप जितने चीज़ दिखा सकते, ये सब शेप को अगर लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप कस्टम शेप टूल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, आप एम एस वर्ड में जाएंगे, सॉरी ग्राफ फोटोशॉप में जा करके फाइल पे जाकर न्यू पेज लेंगे, इसलिए लेते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आइए। अब इसमें देखिए तमाम प्रकार का मैंने बनाया, इसलिए कर रहा हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं इसमें है। यहाँ पर जा करके देखिए शेप दिया है, कोई चीज़ लगाना तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप कन्फ्यूज हो गए। ये जो हमारा कलर है, कलर तो आप चेंज करो, अब आप कलर करिएगा किया कि नहीं किया इस तरीके से। फिर यहाँ पे जाइए, आप ये हर शेप अगर आप लगाना चाहते लगा सकते हैं, ये आपसे लगा सकते हैं कितना लुक दिख रहा है यहाँ। अब यहाँ से जाकर के आप इसमें जाइए, इसको सेट कर लीजिए, इसको सेट करिए आप, चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं। यहाँ जा करके आप इसको लगा करके आप वो लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर तमाम प्रकार के दिए, आप इससे आसानी से नाम को दो बात यूज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स भी लगा सकते हैं, मैसेज का डिज़ाइन बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको लुक दे रहा है, कितना बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए फिर आपका हार्ट डिजाइन भी बना सकते हैं, उसमें आपको दिल तो रेड रहता है, थोड़ा रेड करके चक्कर ले रहे हैं आपको मिला है, पता रेड पेजा से आएगी। ओ ये ऑलरेडी तो बता दिया, सॉरी सॉरी रेड पा अभी उठा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है कभी सारा कस्टमर लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। तो आपने सीखा आप रेड का सिंबल लगा सकते हैं, आपने यहाँ पर कैंची का सिंबल बनाया का सिंबल लगा सकते ठीक हो, इतना अच्छा लग रहा है, लुक बन गया है, सबसे बढ़िया बॉक्स दे रहा है, वाटर में लगा सकते हैं, वाटर पर लगा सकते हैं, वाटर कर दिया ना मैं ऐसे बॉक्स लगा सकते हैं। तो आपने सीखा मेरा फोटोशॉप में और रेक्टेंगल टूल के सभी टूलों के बारे में उसको यूज कैसे किया जाता है। और आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात, मेरे हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे लिए थैंक यू, वेलकम।